हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये गणपति जी के लिए मुकुट बनाना बताऊंगी अपने वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गणपति जी का मुकुट बनाना अभी शुरू करते हैं। मुकुट बनाने के लिए हमें ये कुछ कुंदन चाहिए और ये डायमंड चेन है मेरे पास। ये हमारे छोटे छोटे बीड्स की बॉल चेन आती है और मेन हमारा ग्लिटर पेपर है। तो सबसे पहले हम पेपर लेंगे, उसके ऊपर हम मुकुट का ड्राफ्ट बना लेंगे, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो मैंने यहां से ये 10 सेंटीमीटर लिया है और यहां से 8 सेंटीमीटर है। फिर हम इसको ऐसे शेप दे लेंगे और इसे भी मैं कट करती हूं। तो देखिए, अभी हमारा ये कट के ऐसा रेडी हो चुका है। अब इस पैटर्न को हम ये ग्लिटर शीट पे ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये वाला डिजाइन में इस पे ऐसे ड्रॉ कर लिया है, अभी इसको भी हम काट लेंगे। अभी हमारा ये बेस बनके रेडी हो चुका है मुकुट का, अभी इसको हम डेकोरेट करेंगे। अभी हम ये साइडों में ये बॉल चेन लगाएंगे, ये मेरे पास मैरून कलर की है, तो इसको हम यहाँ साइडों में गम लगा के सेट करेंगे। अभी मैंने ये गम लगा दी है, अभी इस चेन को हम ऐसे शेप देते हुए ऐसे पूरे में सेट कर देते हैं। अभी देखिए, मैंने ये चेन सेट कर दी है, ये चारों ओर हमारे लग चुकी है। अभी ये चेन लग चुकी है। अभी मेरे पास ये कुछ कुंदन है ग्रीन कलर के, अब ये मैंने गम लगा दी है, यहाँ पे हम ये कुंदन लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। देखिए, ऐसे हम पूरे में यहाँ जो गम लगाया है मैं लगा देती हूँ। अभी देखिए, हमारे ये कुंदन भी लग चुके हैं, अभी कितना प्यारा हमारा लग रहा है। अभी इसके बाद हम फिर से ये रेड वाली चेन को ऐसे अंदर से पूरे लगा देंगे। अभी देखिए, ये मैंने रेड चेन भी लगा दिया है। अभी इसके बाद में ये बड़ा वाला कुंदन है मेरे पास रेड कलर का, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। अभी रेड कलर का स्टोन मैंने लगा दिया है। अभी यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की ये बॉल चेन लगाऊंगी इसके चारों ओर ऐसे, और यहां से हम काट लेंगे। इसके बाद मैं ये रेड कलर का बॉल चेन लगाऊंगी ऐसे, और बाकी हम काट लेंगे एक्स्ट्रा। अभी ये कुछ पीसेस हैं मेरे पास कांच के हैं, ये मैं यहाँ ऐसे सेट कर दूंगी गम लगा के। मैंने ऐसे सेट कर दिए हैं, आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो इसके अभी चारों ओर हम ग्रीन ये ग्रीन वाली बॉल चेन लगाएंगे यहाँ पे। तो ये मैंने गम लगा दिया है, अभी यहाँ पे हम ऐसे ये ग्रीन चेन लगा देंगे। अभी हमारी ये ग्रीन चेन लग चुकी है, अभी इसके साइड में हम एक रेड चेन भी ऐसे लगा देंगे, ये सारे में लगाते हैं हम। देखिए, अभी मैंने ये स्टोन भी अपने ये मिरर लगा दिए हैं और ये स्टोन भी लगा दिए हैं। अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है गणपति जी का मुकुट, अभी हमारा बनके एकदम रेडी हो चुका है। अभी इसे हम पीछे बांधने के लिए डोरी लगाएंगे। तो डोरी लगाने के लिए मैंने ये सबसे पहले हम इसी शेप में इतना बकरम का पीस काट लेंगे और इसके ऊपर हम गम लगाएंगे। तो ये मैंने गम लगा दी है। अभी ये मेरे पास गोटा पट्टी की एक लेस है, इसको हम यहाँ पे जितना हमें चाहिए साइड में उतना रख के हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अभी इस लेस के ऊपर भी हम थोड़ी ये गम लगा देंगे।
उसके बाद हमने ये जो मुकुट बनाया है इसको हम ऐसे ऐसे इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा ये बैक साइड में ऐसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारा मुकुट बनके रेडी हो चुका है। ये मैंने अपनी इमेजिनेशन से बनाया, आप अपनी इमेजिनेशन से डेकोरेशन कर सकते हैं। अभी थोड़ा हमारा गीला है, सूखने के बाद इसका और फिनिशिंग आएगा। तो फ्रेंड्स ये गणपति जी का मुकुट बनाने का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।